अगर खुदा की रहमत पर हम आप भरोसा करें तो हमें आपको हमेशा कामयाबी मिले, लेकिन कहीं पर भी हम आप जाएं, किसी भी अल्लाह के वली की बारगाह में हाजिर हों, तो हमारा आपका अकीदा दुरुस्त होना चाहिए। साहिब नुज़हतुल मजालिस अपनी किताब में नकल करते हैं कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत से जमीन पर उतारा, और मैं एक बात आपको बता दूं कि आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब अल्लाह तआला ने दुनिया में भेजा तो सबसे पहला कदम जो है थे आदम ने रखा वो हिंदुस्तान की सरजमीन, वो हिंदुस्तान की सरजमीन थी। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हिंदुस्तान की सरजमीन पर सबसे पहला कदम रखा। लेकिन मुझे इस तफसीर में इस उलझना नहीं, बल्कि बस मैं बताना ये चाहता हूं कि आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब तशरीफ लाए सरजमीन पर तो आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में जानवर सलामियां पेश करने लगे। हर एक जानवर जंगल से निकलता, निकलने के बाद हजरत आदम की बारगाह में सलामी पेश करता। लेकिन एक मर्तबा जंगल से हिरन की एक गिरोह निकलती, निकलने के बाद हजरत आदम की बारगाह में आई, आने के बाद सलामी पेश किया तो हजरत आदम की बारगाह में जो भी आता जानवर जब आता सलाम करता, सलामी पेश करता, हजरत आदम जवाब भी देते, दुआ से भी नवाजते। लेकिन जब हिरन की एक गिरोह आई, अल्लाह हजरत आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने दुआ भी दी और अपना दस्ते मुबारक उठा करके हिरन की पुश्त पर फेर दिया, सुभान अल्लाह, पुश्त पर पीठ पर रख दिया। जब पीठ पर रखा वो हिरन का गिरोह जब जंगल में वापस आया तो पूरा जंगल महकना शुरू हो गया, सुभान अल्लाह। जब पूरा जंगल महकने लगा, दूसरे हिरन के गिरोह ने पूछा, कहा कि अभी तक तो जंगल नहीं महक रहा था, लेकिन तुम्हारे आने की वजह से जंगल महकने लगा, वजह क्या है, ऐसी कौन सी चीज मिल गई है? तो उस हिरन की गिरोह ने कहा कि हम आदम अलैहिस्सलाम की बारगाह में गए थे और जाने के बाद सलामी पेश करने की इरादे से गए थे, और जाने के बाद हमने सलामी पेश किया, आदम ने अपना दस्ते मुबारक हमारी पीठ पर रख दिया, अल्लाह ताला ने उस दस्ते मुबारक की बरकत की वजह से हमारे नाक में जो है खुशबू पैदा फरमाई, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब दूसरे हिरन की गिरोह ने सुना, इतना सुना तो अब वो भी परेशान कि जब इस गिरोह को मिला तो हमें क्यों ना मिला। वो भी चले, चलने के बाद आदम की बारगाह में आई, आने के बाद का सलाम पेश किया। जब सलाम पेश किया, सलाम पेश करने के बाद हजरत आदम ने दुआ भी दी, दुआ देने के बाद अपना दस्ते मुबारक भी फेरा, पीठ पर दस्ते मुबारक यानी हाथ भी रख दिया। लेकिन उस हिरन की गिरोह के अंदर खुशबू पैदा ना हुई, वो वापस आ गई। वापस आने के बाद उन हिरन की गिरोह से कहा कि तुम लोग गए थे, तुम्हें खुशबू मिल गई, उसी दस्ते मुबारक के रखने की बरकत से हमारे ऊपर भी हजरत आदम ने अपना हाथ रखा, दस्ते मुबारक रखा, लेकिन हमारे अंदर खुशबू पैदा नहीं, वजह क्या है? तो उस हिरन की गिरोह ने बहुत प्यारा जवाब दिया था। क्या जवाब दिया था? ऐ मुसलमानों सुनो तो सही। कहा था कि जब हम हजरत आदम की बारगाह में सलामी पेश करने के लिए गए थे तो इस इरादे से नहीं किए गए थे कि हमें खुशबू मिल जाए, बल्कि इस इरादे से गए थे कि आदम को सलामी पेश करेंगे, रब राजी हो जाए, सुभान अल्लाह, सुभान, रब राजी हो जाए, इसलिए हम सलामी पेश करने के लिए गए थे, अल्लाह ने मुझे खुशबू अता कर दी। लेकिन तुम खालिस इस इरादे से गए थे, ये नीयत लेकर के गए थे कि अल्लाह ताला आदम के जरिए से दस्ते मुबारक रखने की बरकत से हमारे अंदर खुशबू पैदा कर दे, इसलिए जो है तुम्हें अल्लाह ताला ने खुशबू अता की, सुभान अल्लाह। तो इरादा यानी नीयत भी देखा जाता है। तो मैं बताने जा रहा था, मैं उसी बात की तरफ आ रहा हूँ कि एक मर्तबा अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम एक सफर पर निकले। जब उस सफर पर निकले, सहाबा इकराम का गिरोह भी था। आज जो लोग कहते हैं कि जिसका नाम मोहम्मद और अली हो किसी चीज का मालिक और मुख्तार नहीं, माजल्ला। कुछ लोग कहते हैं कि नबी को पीठ पीछे की खबर नहीं, माजल्ला। मैं इस वाकये से बताना आपको चाहता हूं कि मेरे नबी को कितनी खबर।
वक्त की किल्लत है, उलमा इकराम की ज्यादा यानी तादाद ज्यादा है, पर 10 से 5 मिनट में आप हजरात का और लूंगा, फिर इंशाल्लाह अपनी बात खत्म कर दूंगा। एक या दो अकया मैं आपके सामने रखूंगा। तो अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सफर पर निकले। निकलने के बाद अचानक कुछ पानी के मशकीजे लेकर के गए थे, पानी का मशकीजा भी खत्म, पानी मशकीजे से पानी भी खत्म हो गया, खाने का सामान भी खत्म हो गया। लेकिन कुछ सहाबा इकराम अल्लाह के रसूल की बारगाह में हाजिर हुई। हाजिर होने के बाद अर्ज किया, ऐ अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हैं, पानी भी खत्म हो चुका है, खाने का सामान भी खत्म हो गया, लेकिन ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अगर नमाज का वक्त होता है तो हम तयम्मुम करके नमाज पढ़ लेते हैं, लेकिन अब प्यास की शिद्दत बर्दाश्त नहीं होती, अब पानी की जरूरत। सुभान अल्लाह। जब इतना कहा तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये नहीं कहा कि इस पहाड़ी के इलाके में जहां तुम हो वहां मैं भी हूं, तुम्हें पानी नहीं मिल सकता तो मुझे भी नहीं मिलेगा। मेरे नबी ने ये नहीं फरमाया, बल्कि मेरे नबी ने क्या फरमाया, ऐन अली, अली कहां? सुभान अल्लाह। अली को बुलाया जाए, अली को बुलाया गया। हजरत अली से मेरे रसूल ने फरमाया कि ऐ अली, इस पहाड़ के उस पीछे चले जाओ, पहाड़ के उस पीछे एक हब्सी गुलाम जा रहा है जो पानी का मशकीजा लेकर के जा रहा है, जाओ उसे बुला लो। आज जो लोग कहते हैं नबी को पीठ पीछे की खबर नहीं, मैं उन्हें सबक देना चाहता हूं कि अगर नबी के पीठ के पीछे की खबर की तो दूर की बात है, मेरे नबी को यह भी मालूम है कि पहाड़ के पीछे कौन जा रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने यह देखा कि जाने वाला आका नहीं बल्कि गुलाम है, हबस का रहने वाला है, और ये भी देख लिया कि जाने वाला हबसी गुलाम जो लेकर के जा रहा है कोई सब्जी या कोई सामान लेकर के नहीं जा रहा है बल्कि पानी का मशकीजा लेकर के जा रहा है। तभी तो बरेली का मुजद्दिद पुकार उठता है, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब तुमसे खुदा ही ना छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने बता दिया कि पहाड़ के पीछे जाने वाला कौन है। सहाबा इकराम ने ये नहीं फरमाया कि ऐ अल्लाह के रसूल हम नहीं देख पा रहे हैं, आपने कैसे देख लिया, ये नहीं कहा, बल्कि वो सहाबी थे, वहाबी नहीं थे, वो सहाबी रसूल थे। सहाबी रसूल हजरत अली निकले, निकलने के बाद गए, जाने के बाद उस गुलाम के हाथ को पकड़ा, हाथ को पकड़ने के बाद कहा, चल मेरे आका तुझे बुला रहे। ऐ मुसलमानों, ऐ गोरमा के मुसलमानों, सुनो तो सही कि नबी की शान क्या। अल्लाह ने हमें आपको इमामुल अंबिया की शक्ल में कैसे शान, कैसा शान वाला नबी अता फरमाया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को भेजा, हजरत अली गए, उसको पकड़ा, उसके हाथ को पकड़ा और कहा, चल मेरे आका बुला। कहा, मैं तेरे आका को नहीं जानता, मेरे मालिक ने मुझे पानी लेने के लिए भेजा था, अगर मैं तेरे आका के पास गया मैं देर, मुझे ताखीर हो जाएगी, अगर ताखीर करके मैं जाऊंगा तो मेरा मालिक मुझे डांटेगा, मुझ पर नाराज होगा, तो मैं नहीं जा सकता। तो हजरत अली ने फरमाया था कि तेरा मालिक और है, तेरा आका और है, तो जिसका गुलाम है वो और है, जो मेरा आका है वो आकाओं का भी आका। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आकाओं का भी आका है, इमामुल अंबिया है, चल उसकी बारगाह में चल, और जब तू वहां चला जाएगा तो वहां जाने के बाद तुझे ये कहना पड़ेगा कि जब तक ठिकाना था कोई पूछता नहीं था, तूने खरीद कर मुझे अनमोल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुमने मुझे खरीद कर अनमोल कर, सुभान अल्लाह, तुझे कहना पड़ेगा। जब इतना कहा उसे लेकर के अल्लाह के रसूल की बारगाह में आए। जब अल्लाह के रसूल की बारगाह में हाजिर हुए, उस गुलाम से कहा, कहा कि आए गुलाम तो पानी लेकर के जा रहा है ना, ऐसा करके थोड़ा सा पानी मुझे भी दे। और मैं एक आपको एक बात बता दूं कि आज से 1400 साल पहले की यह बात मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं,
और जो हाजी या जो लोग सऊदी अरब में जाते हैं आज भी वहाँ पेट्रोल से महंगा पानी मिलता है, आज भी पेट्रोल से महंगा वहाँ पानी मिलता है। जो लोग वहाँ गए उन्हें बेहतर मालूम है, हमने तो सुना है, मैं गया नहीं लेकिन मैंने सुना है, लेकिन जो लोग गए हैं उन्हें यह मालूम है कि पेट्रोल से महंगा आज भी वहाँ पानी मिलता है। तो आज से 1400 साल पहले का आलम क्या रहा होगा। तो अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐ हबसी गुलाम, इस मशकीजे से थोड़ा सा पानी मुझे दे, जितना पानी तू देगा उतना पानी तुझे वापस लौटा दिया। इतना कहा कहने के बाद उसने कहा पानी कैसे लौटाओगे, यहाँ पानी जब तुम्हारे पास है ही नहीं तो जितना पानी मैं दूंगा उतना पानी कैसे कहाँ से लौटाओगे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि दे तो सही, तुझे जितना पानी तू देगा उतना तुझे लौटा दिया जाएगा। जब इतना अल्लाह के रसूल ने कहा था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक मशकीजे से पानी को थोड़ा सा एक प्याले में डाला गया और डालने के बाद जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक को, अपने पाँच उंगली यानी पंजे को यानी उस पानी के प्याले में डाल दिया। जब पानी के प्याले में अपना दस्ते मुबारक डाला तो पानी के यानी घाई उंगलियों के घाइयों से पानी का चश्मा जारी हो गया। अल्लाह के रसूल ने हुक्म दे दिया कि ऐ सहाबा सुनो, सहाबा सुन लो, जिसे वजू करने की जरूरत है वो वजू कर ले, जिसे पीने की जरूरत है वो पानी पी ले, जिसका मशकीजा खाली हो गया है वो मशकीजे को भर ले। और जब ये हुक्म दिया लोगों ने, सहाबा इकराम ने अपने मशकीजे को भी भरा, लोगों ने पानी भी पिया और लोगों ने मशकीजे को भी भरा। फिर उस हफ्से गुलाम को भी हुक्म दिया कि ऐ हफ्से गुलाम तू भी अपना मशकीजा भर ले। उस हफ्से गुलाम ने भी अपना मशकीजा भर लिया। जब इस हदीस मुबारक पर अल्लाह के आला हजरत अजीमुल बरकत की निगाह पड़ती है तो आला हजरत पुकार उठते हैं, उंगलियां हैं फैज पर टूटे हैं प्यासे झूम कर, उंगलियां हैं फैज पर टूटे हैं प्यासे झूम कर, क्या ही नदियां पर नंदियां हैं पंजाब रहमत की जारी बहवा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये मेरे नबी की शान है, हुजूर आला हजरत फरमाते हैं उंगलियां हैं फैज पर टूटे हैं प्यासे झूम कर, नदियां पंजाब रहमत की है जारी वहां। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। देखोगे मेरे नबी की शान, अगर नबी की शान बयान करना शुरू कर दिया जाए तो रात खत्म हो सकती है लेकिन मेरे नबी की शान खत्म नहीं होती। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए नबी की शान को मुलाहिजा करना है तो ईमान के ईमान से हमें आपको चाहिए कि हम नबी की सीरत को पढ़ें, नबी की सीरत को देखें। जब हम ईमान के जरिए से रसूल को देखेंगे, रसूल की अहदीस को देखेंगे, रसूल की सीरत को पढ़ेंगे तो हमें दुनिया में भी कामयाबी मिलेगी और आखिरत में भी कामयाबी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन आज हम आप जो हैं तमाम ऐसी बातें कहते हैं कि जो कुछ चीज हमारा कभी दिल कहता है कि ये चीज करो और एक दिल कहता है मत करो। मैं आपको बताऊं इंसान के जिस्म में एक ही दिल होता है, दो दिल नहीं होते, एक ही दिल होता है। लेकिन इंसान ये क्यों कहता है कि एक दिल कहता है कि ये काम करो, दूसरा दिल ये कहता है मत करो। तो इंसान के जिस्म में एक ही दिल है तो दूसरा दिल आया कहां से? वो दूसरा दिल नहीं होता है बल्कि वो नफ्स होता है। सही। दिल अच्छे काम के लिए आपको राजी करता है लेकिन नफ्स बीच में आकर के रोक देता है। बस इसी बात पर एक बात मैं आपको बता दूं फिर इंशाल्लाह अपनी बात को खत्म करूं। अभी 22 तारीख को आप हजरात ने हजरत इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह तआला अन्हु के नाम से फातिहा दिलाई हो। जी मैं कहले भैया अगर आवाज हो तो खोल दिया जाए। हजरत मालिक बिन दीनार एक मर्तबा मदीने की जंगल सुभान अल्लाह तफरीह करने के लिए निकले। निकलने के बाद क्या देखा है कि एक छोटा सा बच्चा है, एक छोटा सा बच्चा है जो लकड़ियों को चुन रहा है। जब हजरत मालिक बिन दीनार ने देखा तो दिल ने यह कहा कि ए मालिक बिन दीनार इस बच्चे को चलो सलाम कर, इस बच्चे से सलाम करते हैं। नफ्स ने कहा ये बच्चा तो ही है, ए मालिक बिन दीनार इस बच्चे से सलाम करना कैसा, चलो आगे बढ़ते हैं। नफ्स ने इतना कहा मालिक बिन दीनार आगे बढ़े। जब आगे बढ़े तो फिर दिल ने कहा
कि मालिक दीनार तू बच्चा समझ करके सलाम नहीं किया, लेकिन रसूल का किरदार ये था कि जब मदीने की गलियों में निकलते अगर कोई बच्चा नजर आता उसे भी सलाम करते, जवान भी नजर आता उसे भी सलाम। ऐ मालिक दीनार चल वापस पलट जा और पलटने के बाद उस बच्चे से सलाम कर ले। इतना जब नफ्स यानी दिल ने फिर कहा, हजरत मालिक बिन दीनार वापस आए। वापस आने के बाद बच्चे से सलाम किया। जब बच्चे से सलाम किया बच्चे ने जवाब दिया, बच्चे ने सिर्फ जवाब नहीं दिया, बच्चे ने कहा वालेकुम सलाम या मालिक बिन दीनार। जब इतना कहा तो हजरत मालिक बिन दीनार का ने कहा था कि बच्चे आज मैं तुझे पहली मर्तबा देख रहा हूँ, पहली मर्तबा तुझसे मुलाकात कर रहा हूँ, मैंने कभी तुझे देखा नहीं, लेकिन तुम मुझे भी जानता, मेरे नाम को भी जानता, मेरे बाप के नाम को भी जानता। सुभान अल्लाह। जब इतना कहा तो कहा कि हाँ मैं जानता हूँ। इतना कहने के बाद मालिक बिन दीनार ने कहा बच्चे जंगल में क्या कर रहा है। उस बच्चे ने कहा था कि मालिक बिन दीनार मैं लकड़ियां चुन रहा हूँ, लकड़ियों को जमा कर रहा हूँ। तो हजरत मालिक बिन दीनार ने कहा कि आए बच्चे इतनी छोटी सी उम्र में तू लकड़ियां चुनने के लिए जंगल में आ गया है, तेरे माँ बाप कैसे हैं जो तुझे जंगल बियाबान में भेज दिया है। तो हजरत मालिक बिन दीनार से उस बच्चे ने कहा था क्या है मालिक बिन दीनार सुन लो, मेरे माँ बाप के बारे में कोई गलत शब्द इस्तेमाल नहीं करना, इसलिए तुम्हें मालूम नहीं कि मेरे बाप का नाम कौन क्या है, मेरा बाप कौन है। मेरे बाप का नाम इमाम मोहम्मद बाकिर है और मेरे बाप के बाप का नाम हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे माँ बाप ने नहीं भेजा बल्कि मैं अपने दिल से अपने माँ बाप की मदद करने के लिए चला। इतना जब कहा कहने के बाद हजरत वो बच्चा जो है रो भी रहा था, वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि हजरत इमाम जाफर सादिक ही थे सुभान अल्लाह, जिनके हम आप जो है फातिहा 22 तारीख को कराते। तो उस वो बच्चा यानी हजरत इमाम जाफर सादिक जारो कतार रो भी रहे। रोने की वजह पूछा मालिक बिन दीनार ने, हजरत इमाम जाफर सादिक ने फरमाया कहा था मेरे रोने की वजह यह है कि मैंने अपने घर के अंदर देखा है जब मेरी माँ चूल्हे को जलाती है, जब चूल्हे में बड़ी बड़ी लकड़ियां डालती है, जब वो जलने के लिए तैयार नहीं होती है तो मेरी माँ क्या करती है कि छोटी छोटी लकड़ियों को ला करके बड़ी लकड़ियों के नीचे रख देती है और उससे पहले छोटी लकड़ियों को जलाती है फिर बड़ी लकड़ियों को जलाती है। तो मैंने सुना है मेरे नाना चांद ने फरमाया है कि कल मैदान महशर में जब अल्लाह ताला जहन्नम को दहकाएगा जहन्नम में डालेगा तो भाई यानी बड़े इंसान यानी इंसान और पत्थर उसका ईंधन होंगे। तो ऐसा ना हो कि बड़े लोगों को तुम जैसे लोगों को जब अल्लाह ताला जहन्नम में डाले तो ऐसा ना हो जब जहन्नम तुम्हें ना जलाए तो हम जैसे छोटे बच्चों को। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। ये हजरत इमाम जाफर सादिक बचपने के आलम जारो कतार रो रहे इसी नाते से कि ऐसा ना हो कि मालिक बिन दीनार तुम्हारे जैसे बड़े लोगों को जब अल्लाह ताला जहन्नम में डाले तो ऐसा ना हो कि हम जैसे छोटे बच्चों को की जरूरत ना पड़ जाए तो जहन्नम में खुदा ना डाल। तो हमें आपको चाहिए। तो हजरत मालिक बिन दीनार जब वहां से चलने लगे थे तो एक सवाल किया था, कहा था एक सवाल बताओ, एक सवाल एक मेरा मुझे सवाल बता दो, मैं आपसे सवाल करता हूँ। तो हजरत इमाम जाफर सादिक बचपने में कहा था कि ठीक है सवाल करो। तो हजरत मालिक बिन दीनार ने सवाल किया क्या था, कहा था कि अरे बच्चे बता तो सही एक बात ये बता कि नफ्स और दिल में फर्क क्या है। जी नफ्स और दिल में फर्क क्या है। तो हजरत इमाम जाफर सादिक ने बहुत प्यारा जवाब दिया था, दिल तुम्हारे दिल ने जब तुम्हारे यहाँ से गुजरे थे तो जो तुम्हारे दिल के अंदर ये ख्वाहिश थी कि इस बच्चे से सलाम करे वो तुम्हारा दिल था, और जब सलाम करने से जो मना किया था वो तुम्हारा नफ्स था, और जब कुछ दूर आगे ले गया वो तुम्हारा नफ्स ले करके गया था, और कुछ आगे जाने के बाद जब तुम्हें वापस लौटाया तो तुम्हारा दिल था। दिल अच्छे काम के लिए अच्छे काम के लिए लेकर के जाता है और नफ्स वो है जो बुरे काम के करीब लेकर के जाता है।
मैं अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ गो हूँ कि जो मुझसे बोलने में मानन या सहवन लफ्ज़ गलती उससे माफ अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बी अतूबु इलैह। अशहदु अल ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलु। रहेगा चमन तो खिलेंगे फूल, रहेगी जिंदगी तो फिर मिलेंगे जरूर। वाखरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।